हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मैं के पीएम ब्लॉग पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मोबाइल में सिंपल तरीके से किस तरह से माइक आप कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में आज बताने वाला हूं। तो आप लोग देख रहे होंगे मेरे हाथ में वीवो B27 है और इसमें किस तरह से काम करता है, माइक को कैसे कनेक्ट करें। आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि उसमें माइक नॉट वर्किंग इस तरह से वीडियो में आता है, लेकिन मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिरकार वीवो के फोन में 5G फोन, वीवो हो गया आपका, टेक्नो हो गया, ओप्पो हो गया, सैमसंग, बहुत सारे ऐसे फोन है जो कि 5G है, उसमें कनेक्ट किस तरह से करें। 4G में कुछ सपोर्ट करेगा, किसी 4G में सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से आज बताने वाला हूं कि आखिरकार मोबाइल में जो नॉर्मल कैमरा वाला मोबाइल होता है उसमें वीडियो बनाने के लिए आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो का आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो आप लोगों को दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आप लोग आसानी से माइक को अपने मोबाइल में कनेक्ट करके आप लोग वीडियो वगैरह बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे कि K9 है वायरलेस माइक, तो इसको हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिरकार इसको किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में सबसे पहले आपको ब्लूटूथ एंड डिवाइस में जाना है। उसके बाद आप लोगों के पास एक OTG का ऑप्शन आएगा, तो इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में ही आपको कनेक्ट करना है। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है और इसमें लाइट भी जलेगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए ब्लिंक कर रहा है ना, ये कनेक्ट हो चुका है। फिर आप लोगों को क्या होना है, करना है, यहाँ पे बाइक होना है। बाइक होने के बाद में ये जो माइक है इसको आप लोगों को ऑन करना है। तो चलिए मैं ऑन करके दिखाता हूँ। तो देखिए, फाइनली ये ऑन हो चुका है और कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रहा है, यदि कनेक्ट नहीं होता तो यहाँ पे बिलिंग करता, अप डाउन करता, लेकिन ये कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप डायरेक्ट कैमरा को ओपन करके वीडियो में जाके आप लोग वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, और आपका आवाज़ भी क्लियर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए इस वीडियो को। अगर यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को ये जो माइक कनेक्ट करने का प्रॉब्लम है, समस्या है, उसे वो लोगों को निजात मिले। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।